का जो एक मुहिम छेड़ा रखता है, तो उसमें वो उसकी यात्रा का वो पहला कदम है कि किसी एक से जुड़ना, शहर के एक बच्चे से जुड़ना जो कि उस समय शहर की कल्पना थी। लेकिन इस यात्रा में मेरे जो सबसे ज़्यादा सहायक कोई रहा है तो मेरी डायरी रही। मैं तुम सब लोगों से कहूँगा कि एक एक डायरी रखो, और डायरी कोई डायरी जो आती हैं डायरियाँ दिखती हैं कोई जरूरी नहीं, एक कोई कॉपी भी रख सकते हो, उसमें तुम जो सोचते हो वो लिखो, जो प्लान बनाते हो वो लिखो, अपने कमियों को लिखो कि मेरे में ये कमियाँ हैं, अपना डिटर्मिनेशन लिखो, सब कुछ उसमें लिखो, और तुम देखोगे कि कैसे वो डायरियाँ तुम्हें आगे बढ़ाती चलेगी, बनाती चलेगी। मैं और उसमें सच्चाई के साथ लिखो, मेरे और मेरे ज़्यादा छः से लेकर आज तक की सारी डायरियाँ रखी हुई हैं। पहले डायरियाँ छोटी छोटी होती थी, ऐसा फ्रेंड में थे उनको डायरियाँ मिलती थी, छोटी डायरियाँ मजे दे देते थे, बड़ी डायरियाँ वो लिखते थे। उन छोटी डायरियाँ से यात्रा शुरू हुई, लेकिन उस समय से लेकर आज तक मैं डायरियाँ लिखता हूँ। जैसे तुम लोगों की एज में 6 से 12 तक पहले फैक्ट्स आते हैं कि मैंने क्या किया, फिर उसमें भावनाएँ आने लगती हैं, फिर अपने सपने आने लगते हैं, फिर कल्पनाएं आने लगती हैं, और इंट्रोस्पेक्शन का एक मौका मिलता है अपने अंदर झांकने, अपनी शक्तियों को पहचानने। उसमें डायरी बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैं ये प्रयोग कई स्कूलों में कर चुका हूँ। हैदराबाद अयोध्या के पास एक ध्रुव यादव जी हैं जो एकदम गरीब बच्चों को माझा क्षेत्र के पढ़ाते हैं, जिनके परिवार में शाम के बाद जितने पुरुष हैं वो सब नशे में धुत हो जाते हैं। वैसी जगह पर 40 साल पहले उन्होंने स्कूल शुरू किया। आज हालत ये है कि उस स्कूल से निकले हुए बच्चे PhD कर चुके हैं, प्रोफेसर हो चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BSU में, कहाँ कहाँ सफलता की अलग अलग दुकान तय कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, कहा जाता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो नए पीढ़ी को शिक्षा देती है, यही तो कहा जाता है कि हम तुमको शिक्षा दें। लेकिन अगर पुरानी पीढ़ी नौकरियाँ करने लगे तो उनको शिक्षा कौन देगा? अगर पुरानी पीढ़ी शिक्षा गड़बड़ियाँ करने लगे तो उनको शिक्षा कौन देगा? उनको नई पीढ़ी को शिक्षा देना होगा, बच्चों से शिक्षा देना होगा। उसका उदाहरण वो विद्यालय इसलिए है कि उस विद्यालय के बच्चों ने अपने पिताओं को सुधार दिया, अब वहाँ नशे की वो परंपरा खत्म हो गई, सारे वो पुरुष लोग मेहनत करने लगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी अपने को तो ठीक रखने की है। अगर पुरानी पीढ़ी में गड़बड़ियाँ देखते हो, हमारी पीढ़ी में जो गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, नदियाँ संकट में है, पर्यावरण संकट में है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र ठीक से आया नहीं इस देश में, तो इन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी पुरानी पीढ़ी ने अगर नहीं निभाई तो अब तुम्हारी है। तुम्हें इस देश को, इस धरती को बेहतर बनाना है। जैसा एक व्यक्ति सफल तभी है जब धरती उसने जैसी पाई है, समाज जैसा पाया है, प्रकृति जैसे पाई है, उससे और बेहतर भविष्य के जनरेशन से ये छोड़ के जाए, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो डायरियों पर मैं इसलिए कह रहा था, आप खुद देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होने लगेगा, और अपने को उसमें कंडेम भी करना है कि मैंने ये सोचा था कि ये विषय इस तरह से पढ़ लूँगा, इतने दिन में पढ़ लूँगा, इस टारगेट के साथ नहीं कर पाया, अपने को कोसा। लेकिन ये जो आत्मा आलोचना हुई, सेल्फ क्रिटिसिज्म हुआ, इसने हमको और सही करने के लिए मार्ग दिया, इंट्रोस्पेक्शन दिया। तो अगर बच्चे डायरी लिखना शुरू करेंगे तो निश्चित जानिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपकी लिखने की शक्ति अच्छी होगी, लिखने की शक्ति अच्छी होगी। इसका उदाहरण मैं अपना ही देता हूँ कि अंग्रेजी हमने क्लास 6 से लिखना शुरू किया था, प्राइमरी स्कूल में गाँव में
कहा क्लास सिक्स से इंग्लिश में ABC लिखना चाहिए और मैं बस्ती जिले में भाषा अवधि थी, अवधि भाषा ही तक बोलता था। शहर में जब पहली बार गोंडा में आया गंगच्छे में तो खड़ी बोली बोलना शुरू हुआ। हमारे चाचा जी जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था उसके यूनियन में पूछे, वो रोज मुझे दो चीज़ों के लिए डांटते थे कि तुम मुझसे खड़ी बोली में बात किया करो, क्योंकि मेरे दोस्तों के बीच में अगर तुम अवधि में गांव की भाषा में बोल देते हो तो मेरी इमेज खराब होगा। और जब मैं गांव से आया था वही भाषा जानता था, वही अक्सर बोलते थे। और दूसरा इस बात के लिए डांटते थे कि तुम अपने बाल ठीक करके नहीं रखते हो, इसकी वजह से मेरा इमेज खराब होती है। लेकिन हमको वहाँ से यात्रा शुरू हुई और डायरियाँ लिखने की वजह से मेरी हिंदी भी सुधरती चली गई, क्योंकि हिंदी में लिखता था। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैं इसीलिए डायरी वाली बात और आपके सामने रख रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में, सिविल सर्विस की तैयारी में उस समय जब हमने 70s में किया तो इंग्लिश ही मुख्य था, इंग्लिश ऐसे होता था, इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता था, तो मैंने डायरियाँ इंग्लिश में शुरू लिखना शुरू किया, मैंने डायरियाँ इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा ये रहा कि मेरी इंग्लिश अच्छी होती चाहिए। आज दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, मैं अमेरिका में भी जाता हूँ, इंग्लिश में मेरे व्याख्यान होते हैं, IIMs में मेरे व्याख्यान होते हैं, हर जगह होता है, तो मैं और किसी से कम अच्छी इंग्लिश नहीं जानता हूँ या नहीं बोलता हूँ। या मेरा अंग्रेजी का उपन्यास आया विन 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 डॉट कॉम में, इसमें भी इस अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाने में भी मेरी डायरी ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि क्योंकि मैंने शून्य से यात्रा शुरू की है, इसलिए मैं और अपना एग्जाम्पल लेकर के भी आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में भी हूँ कि आप जहाँ हैं उससे जितने आपके सपने की ऊंचाई हो वहाँ तक की यात्रा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक आपके डायरी आपको बनाने के लिए, आपको हौसला देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल रहेगा, आपको मोटिवेट करने के लिए और आपकी मेहनत और सफलता कंटिन्यूटी। तो अभी जो मैं वो फार्मूला बताऊंगा कि आपके सारे सपने कैसे पूरे होंगे उस पर भी आएंगे, लेकिन डायरी का एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना उद्देश्य, जो ग्राम साहब ने कहा था कि अगर आपका उद्देश्य ही नीचे होगा तो आप कुछ क्या पाएंगे। अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे पास होना है तो पास हो जाएंगे, उससे ऊँचा मुश्किल हो जाएगा। आप जो हाइस्ट हो सकता है वो उद्देश्य रखता है और वो डायरियों ने उसमें भी मुझे मदद किया। जब मैं हाई स्कूल के आसपास पहुंचा तो मैंने अपनी डायरियों में रोज लिखना शुरू किया कि मुझे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में टॉप करना है। तो 20 दिन मैंने अपनी डायरियों में पहला सेंटेंस यही लिखा रोज कि मुझे हाई स्कूल बोर्ड में टॉप करना है। मैं जिस तरह से जिस बैकग्राउंड से आया था लोग मेरे ऊपर हंस सकते थे, हंसते ही थे, लेकिन हाई स्कूल में मेरी विजय 10 पोजिशन आई यूपी बोर्ड। फिर इंटर में भी यही, बाकी 11वें और 12वें में रिपीट किया कि मुझे खुद, फिर 12th में भी इंटर में भी यूपी बोर्ड टॉप करना है और वहाँ भी विजय 10 पोजिशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ भी ये रोज लिखता रहा कि मुझे BSc में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, वहाँ भी विजय 10 पोजिशन। फिर सिविल सर्विसेज की जब तैयारी शुरू की, एक चीज़ मैं और बताऊँ कि मेरे, मैं अपनी डायरियों को कभी बैच में जा कर के पढ़ता हूँ, BSc तक मेरी डायरियों में सिविल सर्विसेज में अपीयर होने का कोई टारगेट नहीं था। क्या सोच सकते हो कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य डायरियों में क्या लिखा हुआ था? माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करना, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। और जब वो इस धरती पर नहीं रहे
तो उनकी जगह पर, माता पिता की जगह पर मैंने देश और धरती को रख दिया है। अब उद्देश्य है देश और धरती की सेवा। तो सिविल सर्विस में फिर वही कि मुझे सिविल सर्विस में भी टॉप करना है। पीसीएस में रिटर्न में मैंने टॉप किया, इंटरव्यू के बाद सेकंड पोजीशन आई। सिविल सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में, आईपीएस में टॉप किया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ। मैं एक साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जिसमें कि हमारे अरुण जी हैं, रहा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में आ गया, इनका आईआरएस में भी टॉप किया था। तो ये केवल डायरियों में सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपनी मेहनत। मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आपकी मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है, खुद पढ़ा और खुद पढ़ने के बाद भी यह हौसला रहा कि टॉप करेंगे। तो आप भले ही सागंज के बैकग्राउंड से हैं, लेकिन सागंज के बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हैं, आप गांव से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां टॉप करेंगे, तो निश्चित है कि अगर आप टॉप नहीं करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आएंगे। लेकिन अपना हौसला वो रखिए, डिटर्मिनेशन वो रखिए और उसको करने के लिए कोशिश करिए। अपनी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सफल नहीं बनाता, आपकी अपनी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। इस चीज को हमेशा, और अभी किसी बच्चे ने कहा था कि मैं मदद करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस से फिर देश के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मदद कैसे होनी चाहिए, इस पर भी मैं कुछ कहूँगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर आते हैं। जो मैंने पहले कहा था कि मैं वो सूत्र बताऊंगा कि जिससे तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे, इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने सपनों का चयन करना कि अगर वो सच हो जाए तो तुम्हें ये न कहना पड़ेगा ये तो मैंने गलत सोच लिया था और हो गया। इसलिए कि तुम एकदम तय करके रखो कि तुम क्या चाहते हो और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो। हो सकता है कि 5-10 साल बाद और भी नए डायमेंशंस लाइफ में खुल जाए, तो वो परिवर्तन की भी गुंजाइश रखो, लेकिन अपने टारगेट्स अभी से फिक्स करना शुरू करो और स्ट्रांगली हाइस्ट टारगेट फिक्स करो। एक तो मैं आप लोक कथा सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी भी जैसे सुल्तानपुर में हो, हम बस्ती में थे, गांव में कहानी सुनी हमने, वो कहानी बड़ी छोटी सी कहानी है, लोक कथा है। बचपन में जब सुनी तो ऐसे ही लगी, लेकिन बड़े होने पे जब पूरी दुनिया की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की, अलग अलग भाषाओं की, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक लोक कथा पूरी दुनिया में कैसे फैले, वही लोक कथा। वो जो हजारों लाखों साल से जब खाते खाने नहीं थे, टीवी वीडियो नहीं था, प्रिंटर नहीं थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए एक कहानी पूरी दुनिया में कैसे फैल सकती। वो फैली इसीलिए कि उस कहानी में इतनी ताकत है, उसमें इतना शक्ति है कि वो एक पीढ़ी बिना दूसरी पीढ़ी को बताए रह ही नहीं सकी। इतना बड़ा रहस्य है सफलता का, जीवन का। तो पहले वो कहानी बड़े संक्षेप में तुम्हारे सामने रखता हूँ और फिर उसे इस मैसेज को। दो चिड़िया थी, बहुत भूखी थी। दो चिड़िया, छोटा मैना कह दो, कोई भी, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में लोक कथा का जो चर्चा हुई, चिड़िया की आवाज़ भी एक आ रही है, कोयल की तरह या किसी और।
तो चिड़िया की देखो चिड़िया की बात हो गई तो चिड़िया की सुनने लगी, फिक्र की जुड़ी हुई है इसी से। हम समझते हैं कि वो हमारी बात नहीं समझती है, लेकिन वो हमारी बात समझती है। कम्युनिकेशन पर कभी चर्चा होगी तो इस पर भी और विस्तार से चर्चा करेंगे। तोता मैं ना कहना दोनों को लिया, जैसा मैंने अपने गाँव में जमा, दोनों बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पर उन्हें दाल का दाना मिलता है, उसको सोचते हैं कि न्यायपूर्वक आधा आधा कर लें, उससे ऊँटे से रगड़ते हैं, रगड़ने से वो तोते वो तो दाल का दाना है वो दो हिस्सों में बट जाते हैं, लेकिन ऊँटे में कोई छेद या दरार नहीं होगी, आधा हिस्सा उसमें फंस जाता है, आधा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको लेकर मैना उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है जो उसमें फंसा हुआ है, तो सकता है बच्चों तुमने सुना होगा, टीचर्स लोग ने जरूर सुना होगा हमारे मित्रों ने, तो तोते का आधा हिस्सा है जो तोते में फंसा हुआ है। तोता जब नहीं निकाल पाता अपनी चोट से तो बनई के पास जाता है और बनई से कहता है, बनई बनई चिंता चिंता का अवधि है, मैंने सुना अपने गाँव में कि बढ़ई बढ़ई खूंटा की हो, ऊँटे में दाल का खाई का निकाले पड़े नहीं, बढ़ई उसको डांटता है, अब तोते तुम्हारे खूंटे से दाल के जाने के लिए खूंटा क्यों चाहिए। फिर वो राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई जाते हो बढ़ई में खूंटा चाहिए, राजा भी डांटता है तुम्हारे तोते से दाल के जाने के लिए हम बढ़ई क्यों डाँटे। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, पूरी बात कहता है, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी काटो या सांप सांप रानी काटो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो नदी पी लो पानी सब पी लो हाथी भी डांटता है। अब तोता निराश होकर के जा रहा है, उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण करता है, और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है, चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगा, और चींटी के वश में क्या है, रेंगना। तो वो हल्के से हाथी के सूंड में रेंग के जाने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपनी अवधि में सुना, कि सूंड में घुसो उसो मत, कोई हमको नदी सोख रही है। और जब हाथी नदी सोखने को तैयार हो जाता है तो नदी आग बुझाने को, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को और राजा बड़ी डांटने को तैयार हो जाता है और उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब इस पूरी कहानी में सबसे ताकतवर कौन है? जी बिल्कुल सही, अपने सही जवाब के लिए काफी जवाब। लेकिन अगला सवाल वो भी मैं इसी तरह से सही उम्मीद करूंगा तुम लोगों से, चीटी अपने किस गुण के कारण सबसे शक्तिशाली है? रेंगने की, तो सांप ही तो रेंगता है, सबसे छोटे आकृति की। चलो इसको लगभग सही मान लेते हैं, और है अपने विश्वास के कारण ये भी काफी अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है। इस उत्तर के लिए ताली बजाओ। उत्तर चाहता हूँ जिसमें दो बात पता लिया जाने का मन, आत्मविश्वास अपने अपने से ज्यादा वजन उठा सकती है, और संवेदना, संवेदना जानते हो, दूसरे की वेदना को जब हम अपनी वेदना जैसा समझते हैं तो वो होती है संवेदना। तोता गिड़गिड़ाते हुए सबके पास गया
किसी ने उसके खुद को अपने दुख जैसा नहीं समझा, और चींटी तोते को रोते देखकर उसके पास खुद गई और उससे रोने का कारण और कारण जानने के बाद जितना उसके वश में था उतना किया। अगर उसके पास से वो रहने की शक्ति थी तो वो पूरे मनोयोग से रहेंगी और उसी से पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था, काम नहीं कर रहा था, वो क्रियाशील हो गया। सही बात है। और चीपी किसके किसके पास गई थी? राजा रानी सांप पानी हाथी रथी सब। जहाँ तक बाहुबल का सवाल है, धन बल का सवाल है, संसाधन बल का सवाल है, वेदना का बल, दूसरे के दुख सुख को समझने का बल, यह सबसे ज्यादा चीटी में था। चीटी ने तोते की वेदना को अपना समझा और जो उसके वश में था उतना किया। और इस संवेदना के बल से, जैसे स्विच दबाने से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, वैसे अगर संवेदना का बल हमारे पास है